हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्लेस। ज्ञान प्लेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में रेलवे और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बार बार पूछे गए साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सही टाइम से मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो ये प्राणी है हिरण। हिरण जो है सबसे बड़ी आँखें वाली स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, किस उद्योग में अबरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये उद्योग है विद्युत उद्योग, जिसमें कच्चे माल के रूप में जो है अबरक का इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार जो है हेनरी सीले ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व जो होता है वो होता है गंधक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का परिकर्णन जो है सबसे कम होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज जो है हेनरी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या जो होगी वो होगी 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला जो है एक अवतल लेंस की तरह जो है बर्ताव करता है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा जो है समान होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब जो है 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से जो है आता हुआ प्रतीत होगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कारों ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये दर्पण है उत्तल दर्पण, जो एक कार बस ट्रक में बगल में ड्राइवर के लगा हुआ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ये है उपधातु, जिनमें धातु और अधातु के गुण दोनों पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस, जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, किस में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है? तो ये है इस्पात में जो है ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो स्टूल का कोणीय वेग जो है बढ़ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई जो है नहीं देगी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? इसका कारण है पलायन वेग, जिस कारण से चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी सरल लोकक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? झूले का आवर्तकाल जो है अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किसके कारण? यह संभव है अनुनाद के कारण। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है और इस वीडियो की आखिरी है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से जो है जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।